प्रीवियस वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स को जाना था और इस वीडियो में मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी कि पेनिस के स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझेंगे। तो देखो, यहां जो हिस्सा पेनिस का बॉडी के बाहर है वो हिस्सा शाफ्ट कहलाता है। शाफ्ट के बाद का जो ये पूरा हिस्सा है ये ग्लांस कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लांस। और अगर पेनिस के अंदर की बात की जाए तो यहां पर इरेक्टाइल टिश्यूज के कुछ बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इरेक्टाइल टिश्यू कहने का मतलब हुआ ऐसे टिश्यूज जो इरेक्ट हो सकते हैं, जिनमें स्टिफ होने की एबिलिटी हो। तो देखो, एक बैंड आपको यहां दिख रहा है इरेक्टाइल टिश्यू का और दूसरा बैंड आपको यहां दिख रहा है। एक्चुअली यहां पर सिर्फ दो ही बैंड आपको दिख रहे हैं, लेकिन तीन बैंड होते हैं। ये जो ऊपर वाला बैंड आपको दिख रहा है, ये वाला, ये टोटल 2 in number होता है, और जो ये निचला बैंड है ये बस एक होता है। ये जो निचला बैंड है इरेक्टाइल टिश्यूज का, इससे होकर एक ट्यूब जा रहा है जो कि क्या है, यूरेथ्रा है, और ये बाहर ओपन हो रहा है यूरेथ्रल मीटर्स के थ्रू। इसी चीज को एक और डायग्राम के थ्रू और क्लियरली समझते हैं। देखो, इस डायग्राम में पेनिस का जो हिस्सा बॉडी के अंदर है यानी कि पेल्विक कैविटी के अंदर है, उसे रूट कहते हैं। रूट के बाद का जो हिस्सा है वो शाफ्ट कहलाता है। ये सिलिंड्रिकल पोर्शन है पेनिस का, ये क्या कहलाता है? शाफ्ट कहलाता है। और शाफ्ट के बाद जो स्वॉलन हिस्सा होता है वो ग्लांस कहलाता है। ग्लांस, हेड ऑफ द पेनिस। यहां पर बहुत सारे नर्व एंडिंग्स पाए जाते हैं, इसलिए ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है। ग्लांस के ऊपर एक स्किन की फोल्ड होती है। ये जो स्किन की फोल्ड है इसे हम कहते हैं फोर स्किन। क्या कहते हैं? फोर स्किन, FORESKIN। फोर स्किन को ही प्रीप्यूस भी कहा जाता है। ये फोर स्किन रिट्रैक्टेबल होता है। पेनिस के अंदर जो टिश्यूज पाए जाते हैं यानी कि जो इरेक्टाइल टिश्यूज हैं, अगर उन्हें देखें हम, तो देखो यहां पर एक बैंड आपको दिख रहा है इरेक्टाइल टिश्यू का। मैं ब्लैक कलर से इसे घेर दे रहा हूं जिससे कि आपको ये समझना आसान हो, आप क्लियरली समझ सको अलग अलग बैंड्स को। देखो, एक बैंड आपको यहां दिख रहा है और इरेक्टाइल टिश्यू का ही दूसरा बैंड आपको यहां दिख रहा है। तो ये दोनों बैंड जो है इसे कहते हैं कॉर्पस कैवर्नोसम। और कॉर्पस कैवर्नोसम चूंकि दो होता है इसलिए उसका प्लूरल वर्ड यूज होता है, जो कि क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसम। क्या है? कॉर्पोरा कैवर्नोसम, CAVERNOSA, कॉर्पोरा कैवर्नोसम। ये जो बैंड्स आप देख रहे हो, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, ये क्या है भाई? कॉर्पोरा कैवर्नोसा, जिसे कि यहां पर कैवर्नस बॉडीज लिखा गया है। और जो दूसरे टाइप का इरेक्टाइल टिश्यू है यहां, वो है ये। आप देखो, ये बीचों बीच जो गया हुआ है ये इरेक्टाइल टिश्यू, ये और ये आपको दो हिस्से में डिवाइडेड दिख रहा है क्योंकि बीच से यूरेथ्रा गया हुआ है। ये एक सेक्शन है पेनिस का। अगर आप पूरे सिलिंड्रिकल व्यू में देखो इसे, तो ये डिवाइडेड नहीं है, ये एक ही मास है टिश्यू का जिससे होकर यूरेथ्रा पास हो रहा है। और ये ही जो बीच का ये टिश्यू है, ये ही आगे चलकर किसे बनाता है? ग्लांस को बनाता है। तो ये एक कंप्लीट बैंड है टिश्यू का। ये जो बीच वाला टिश्यू है इरेक्टाइल टिश्यू, इसे स्पॉन्जी बॉडी यहां कहा गया है और इसे हम कहते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्या कहते हैं? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो यहां पर पेनिस के अंदर इरेक्टाइल टिश्यूज के कितने सारे बैंड्स होते हैं? दो बैंड होंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा के और एक बैंड होगा कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का। और जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है वो ही आगे चलकर किसे बना देता है? ग्लांस को बना देता है। यूरेथ्रा पास होता है किस बैंड से? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से। अगर इसके अंदर की बात की जाए यानी कि रूट वाले हिस्से की बात की जाए, तो जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है वो आगे अंदर की तरफ एक्सटेंड होकर के जिस लेग लाइक स्ट्रक्चर को बनाता है, देखो ये देखने में थोड़ा थोड़ा इंसान के पैर के जैसा लग रहा है, ये खिंचा हुआ पैर के जैसा दिख रहा है, इसे क्रूडा कहते हैं। एक्चुअली क्रूडा एक प्लूरल वर्ड है और इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है क्रस, CRUS, और क्रस का मतलब होता है लेग। ये कुछ कुछ लेग के जैसा दिखता है, इसलिए इसे क्रस और प्लूरल में इसे क्या कहते हैं? क्रूडा कहते हैं। और जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का लास्ट वाला हिस्सा है ये बल्ब कहलाता है। ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाता है? बल्ब कहलाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर था पेनिस का। चलो इसको एक और डायग्राम के थ्रू और क्लियरली समझते हैं। देखो, इस डायग्राम के थ्रू आप पेनिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को, खास करके जो इरेक्टाइल टिश्यूज हैं,
उन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ये जो दो बैंड्स आपको दिख रहे हैं, एक पहला और ये दूसरा, ये दोनों किस चीज के बैंड है भाई? कॉर्पोरा कैवर्नोसा के बैंड है, जिनके बारे में हमने पहले बात किया था। और ये जो बैंड आपको दिख रहा है, ये कौन सा बैंड है भाई? ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है। और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम से ही होकर क्या गुजर रहा होगा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो इसके अंदर चल रहा है वो आगे चलकर ग्लांस से होता हुआ बॉडी के बाहर ओपन हो जाएगा। किस चीज के थ्रू? मिएटस के थ्रू। चलो इसको एक और डायग्राम के थ्रू और क्लियरली समझते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है पेनिस का। चलो इसे समझते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर है ऑब्वियसली वो क्या है? स्किन है। स्किन के जस्ट बाद वाली जो लेयर है, जस्ट बाद वाली लेयर, वो सुपरफिशियल फेशिया या फिर डायटोस फेशिया कहलाती है। इसके बाद ये जो टिश्यू है, ये जो हिस्सा है पूरा, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है भाई? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये जो लेयर है, ये कहलाती है डीप फेशिया या फिर बक्स फेशिया। तो ये डीप फेशिया तीनों इरेक्टाइल टिश्यूज के बैंड्स को कवर की भी रहती है एक साथ। अब इसके अंदर ये जो तीनों बैंड्स हैं, ये तीनों इंडिविजुअली यानी कि अलग अलग कवर्ड होते हैं किस चीज से? ट्यूनिका एल्बुजेनिया से। किससे कवर्ड होते हैं भाई? ट्यूनिका एल्बुजेनिया से। यहां पर कॉर्पस कैवर्नोसम के दोनों बैंड्स और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का ये बैंड, ये सब कवर्ड होता है किससे? ट्यूनिका एल्बुजेनिया से। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इरेक्टाइल टिश्यूज के तीनों बैंड्स हैं, इनके अंदर आपको कुछ ओपन स्पेसेस दिख रही हैं। ये जो आपको बबल्स के जैसी दिख रही है अंदर, ये कुछ खाली स्पेसेस हैं। ये बात समझना जरूरी है कि जो इरेक्टाइल टिश्यूज हैं यहां, इन तीनों के अंदर कुछ खाली जगहें पाई जाती हैं, जिन्हें कि हम साइनसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनस। ये कुछ गड्ढे होते हैं और जरूरत पड़ने पर इनके अंदर ब्लड फिल हो जाता है। साइनस के अराउंड स्मूथ मसल्स की कवरिंग होती है। ध्यान देना, इरेक्टाइल टिश्यूज में कुछ गड्ढे पाए जाते हैं जिन्हें कि हम साइनसेस कहते हैं, और साइनसेस के अराउंड स्मूथ मसल्स की कवरिंग होती है। ये स्मूथ मसल क्या करता है वो हम आगे जानेंगे जब हम इरेक्शन ऑफ पेनिस को समझेंगे। तो देखो यहां आपको ये जो बबल्स दिख रहे हैं वो एक्चुअली क्या है? कुछ साइनसेस हैं जिनमें की जरूरत पड़ने पर ब्लड फिल होता है। और अगर पूरे पेनिस के ब्लड सप्लाई की बात की जाए तो यहां पर आपको कुछ वेन्स दिखेंगे। सुपरफिशियल वेन, डीप वेन। यहां है सुपरफिशियल वेन, ये है डीप वेन। और जो आर्टरीज हैं, जैसे कि ये डॉर्सल आर्टरीज हैं, और यहां पर ये डीप आर्टरी है जो कि आपको कॉर्पोरा कैवर्नोसा में दिख रही है। और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के बीच ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, ये कौन सी चीज है भाई? ये यूरेथ्रा है। चूंकि ये ट्रांसवर्स सेक्शन है इसलिए आपको इस तरह की ओपनिंग दिख रही है। पेनिस के स्ट्रक्चर को समझ लेने के बाद अब हम जानेंगे इरेक्शन की फिजियोलॉजी। देखो जो सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, यानी कि जो अराउजल होता है, वो किसी ना किसी स्टिमुलस की वजह से होता है। और ऐसा कोई स्टिमुलस आने पर हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके सैक्रल हिस्से में पाए जाने वाले पैरासिंपैथेटिक फाइबर्स से एक सब्सटेंस रिलीज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये नाइट्रिक ऑक्साइड जब पेनिस तक पहुंचता है तो वहां क्या करता है? वहां के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है। कौन से स्मूथ मसल्स भाई? आपको याद होगा मैंने बताया था कि पेनिस में जो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं उनके अंदर कुछ गड्ढे मौजूद होते हैं, कुछ साइनसेस होते हैं, और इन साइनसेस के अराउंड जो मसल्स होते हैं वो होते हैं स्मूथ मसल्स। तो इन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है नाइट्रिक ऑक्साइड। और क्या करता है? पेनिस में जो भी आर्टरीज ब्लड को ला रही होती हैं, उन आर्टरीज को डायलेट कर देता है, यानी कि ढीला कर देता है, वाइड कर देता है। जब आर्टरीज वाइड हो गई तो ब्लड का फ्लो काफी तेजी से बढ़ेगा। कहां? पेनिस के अंदर। अब पेनिस में ब्लड का फ्लो काफी तेजी से हो रहा है और जो स्मूथ मसल्स हैं साइनसेस के अराउंड वो ढीली पड़ चुकी है, रिलैक्स हो चुकी हैं। तो क्या होगा भाई? साइनसेस ब्लड से काफी ज्यादा भर जाएंगी। साइनसेस वाइड होकर उनमें ब्लड काफी ज्यादा फिल हो जाएगा। इसके कारण इरेक्शन शुरू हो जाएगा पेनिस में। और इस इरेक्शन की वजह से एक और चीज होगा यहां। क्या होगा? जो वेन्स पेनिस से ब्लड को वापस ले जाती थी, वो वेन दबकर कंप्रेस हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि इरेक्टाइल टिश्यूज में जो साइनसेस हैं वो टर्जिड हो रहे हैं ब्लड फिल हो जाने के कारण, और साइनसेस के टर्जिडिटी के कारण जो वेन्स हैं वो कंप्रेस हो जाएंगी। वेन्स कंप्रेस होंगी मतलब क्या हो रहा है कि ब्लड आ रहा है, साइनसेस में फिल हो रहा है,
साइनसेस टर्जिड होते जा रहे हैं और जो वेन था ब्लड को ले जाने के लिए वो ब्लड को ले नहीं जा पा रहा है। तो इस तरीके से पेनिस जो है वो स्टिफ यानी कि इरेक्ट हो जाता है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो इसका उल्टा है, यानी कि आफ्टर कॉपुलेशन जब इजैकुलेशन होना है। एक बार इजैकुलेशन के प्रोसेस को समझ लेते हैं। इजैकुलेशन मतलब बॉडी से बाहर सीमेन रिलीज होना। देखो जब सीमेन रिलीज होगा बॉडी के बाहर तो वो कहां से आएगा, यूरेथ्रा से होकर के आएगा। और आप जानते हो कि यूरेथ्रा जो है वो यूरिन को भी बॉडी से बाहर लाता है। तो इजैकुलेशन में सीमेन के साथ यूरिन ना आ जाए बॉडी के बाहर, इसके लिए क्या होता है, इजैकुलेशन से जस्ट पहले हमारे स्पाइनल कॉर्ड का जो लंबर हिस्सा होता है वहां से एक सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आता है और उसके वजह से यूरिनरी ब्लैडर के निचले हिस्से में एक स्फिंक्टर पाया जाता है, वो कंट्रैक्ट हो जाता है, वो क्लोज कर देता है रास्ते को। मतलब यूरिनरी ब्लैडर से अब यूरिन नहीं आ सकता है यूरेथ्रा में, यहां का स्फिंक्टर जो है वो इस रास्ते को क्लोज कर देता है इजैकुलेशन से जस्ट पहले। अब इजैकुलेशन होने के लिए क्या होता है, जो पूरा डक्ट का सिस्टम है यानी कि एपिडिडाइमस, वास डेफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, इन सब में एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन चालू होता है और इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो सीमन है वो बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है, इसे हम इजैकुलेशन कहते हैं। अब इजैकुलेशन के बाद क्या होगा, जो स्मूथ मसल्स रिलैक्स हुए थे वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे, जो आर्टरीज डायलेट हो गई थी वो वापस अपने नॉर्मल वाले शेप में आ जाएंगी, यानी कि आर्टरीज जो वाइड हो गई थी वो अब वाइड नहीं रहेंगी, वो अब कंस्ट्रिक्ट करने लग जाएंगी। और इन सब की वजह से जो साइनसिस में ब्लड था वो भी अब यहां से निकलेगा, निकलकर कहां जाएगा, क्योंकि ये सारा कुछ रिवर्स हो रहा है इसलिए अब वेन पर जो कंप्रेशन का प्रेशर था वो भी घट जाएगा, अब वेन्स कंप्रेस्ड नहीं रह जाएंगे, अब वेन्स चालू हो गई हैं, यानी कि जो ब्लड फिल्ड था पेनिस में वो यहां से ड्रेन आउट होने लग जाएगा। और जब ब्लड यहां से ड्रेन आउट होगा तो पेनिस अपने पहले वाले पोजीशन में यानी कि फ्लैसिड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो ये पूरी फिजियोलॉजी थी इरेक्शन की। तो इस तरह से आपने पेनिस का स्ट्रक्चर और फंक्शन बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। यदि यहां कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछना। थैंक यू।